अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो जैसे ही हम जो है वो टॉप ड्रॉप शिपर्स का पोस्ट लगाते हैं तो नीचे हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं कि भाई इनसे बात करवाएं, हमारी डिस्कस करवाएं, इनको लाइव लेके आए। तो उसी के जैसे उसी सिलसिले में हमने काफ़ी जो है वो लोगों को रीच किया, उसमें से तौसीफ भाई ने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला। तो तौसीफ भाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तौसीफ भाई जो है वो तौसीफ जाकिर नाम है इनका पूरा, और ये जो है हमारे टॉप ड्रॉप शिपर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हवाले से भी आते हैं और फिर डिलीवरी रेशियो के हवाले से भी आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक बिल्कुल ठीक हूँ जावेद भाई। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। है, तो अब आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे पहले स्टार्ट में कि आपका अपना बैकग्राउंड जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड था या आप रिसेंटली इन हुए हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड है, और ई कॉमर्स में कब इन्वॉल्व हुए आप, और उसके बाद एचएससी से कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? अच्छा जावेद साहब, मेरा एक्चुअल में मैंने पहले तो मेरा जो प्रोफेशनली जो है मैं एज अ बैंकर था, और मैंने अपना करियर जो बैंकर से स्टार्ट किया था 2008 से। तो 2008 से लेके 2013 तक तो मैं जॉब पर था। फिर 2013 में आई स्टार्ट ई कॉमर्स, जो उस दौर में जो है आपको शायद बताओ कि उस दौर अभी स्टार्ट ही हुआ था, जैसे दराज उसी वक्त आया था और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड थे जैसे कि आइडियाज है, खाड़ी है, बोनेजा है, वो उस वक्त अभी ऑनलाइन पर आ रहे थे और ई कॉमर्स उन दिनों में उन पीरियड्स में उरूज पर आ रहा था। तो उस वक्त मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था लेगीज रैपिकल से, ठीक है, रैपिकल से स्टार्ट किया था, लॉन ड्रेसेस से स्टार्ट किया था और देन इतना अच्छा रिस्पॉन्ड था कि मैंने अपनी जॉब उस वक्त छोड़ दी थी 2014 में। फिर मैंने उसको 2017 तक कंटिन्यू किया, लेकिन बट ऐसा हुआ कि सब बहुत सारे प्लेयर आ गए इसमें, और इसका एंट्री है, एंट्री बहुत आसान होती है। हर कोई पेज बनाता था फेसबुक के ऊपर और थोड़ा सा अपना मार्केटिंग बजट लगाया और इन हो गया। और फिर इसके साथ साथ जो सप्लायर, जो मेन मैन्युफैक्चरर थे, वो भी बहुत बढ़ गए वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो फिर उसमें कंपटीशन जो है ना, प्रॉफिट मार्जिन बहुत श्रिंक हो गया। अगर जो चीज़ मैं 2013 में स्टार्ट किया था और दराज के साथ मैंने भी अपना मेंस के शलवार कमीज भी बनाता था, था कि मेंस के शलवार कमीज में तीन नाम थे, गुल अहमद, आइडियाज हो गए जैसे अलकरम स्टूडियो हो गया, और दो तीन और थे, तो वो बहुत हाई लेवल के थे, जैसे कि वो 5,500 ऐसा अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 3,500 4,000 के बीच में, तो ताकि लोग मुझसे लें। अगर मैं 3,500 का बेच या कुछ भी बेचे वो बिकता ही बिकता है, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, बहुत अच्छा मुझे मिला। मैं खुद, मेरे वालिद साहब जो है शबीर के ओरिजिनल फैब्रिक्स पर, ग्लेज के ऊपर हम काम करते थे, तो मैं उसको खुद स्टिच करवाता था, उसकी डिजाइनिंग करता था, और साथ में मैं लेडीज के रैपिकल लॉन का भी साथ काम कर रहा था। तो फिर हुआ कि वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते इसमें लोग बहुत आना शुरू हो गए। जब लोग आना शुरू हो गए तो वो जो मार्केट की प्राइस सेल्स वैल्यू वो बहुत खराब हो गई, तो उसके साथ साथ भी प्रॉफिट शेयरिंग होता रहा। फिर देन मैंने अपना स्विच कर दिया, फिर वापस मैं कुछ और बिजनेस में चला गया, रेस्टोरेंट में, और फिर अपनी जॉब मैंने वापस स्टार्ट की। और सब इसके साथ 3 साल का गैप लेके अभी मैं 2022 में दोबारा मैंने ई कॉमर्स के ऊपर देखा, जब कि आप बहुत हो गया, तो उसमें फिर मैंने इसको स्टार्ट किया और ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया। जब देखा कि यूट्यूब में बहुत आने लगा तो मैंने वहाँ से वापस स्टार्ट किया, और इस दफ़ा थोड़ा प्रोडक्ट चेंज कर दिया, और इस दफ़ा थोड़ा इसको स्टडी करके आया ना कि यार अब कैसे इसको मूव करना है, कैसे इसको लेके चलना है। तो आई स्टार्ट माई जर्नी विथ HEC जो है वो मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, जुलाई 2022 एट द एंड, जून के एंड में बल्कि, सॉरी। और मुझे आपके HEC के बारे में पता चला था, जो मैं इन दौरान क्लासेस ले रहा था उनमें ही सी मेंटर ने जो है जो थी उन्होंने HEC का बताया था कि HEC ड्रॉपशिप जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप ई कॉमर्स के प्रोडक्ट जो है आप हंट कर सकते हैं और वो सारी सर्विसेज देते हैं। सही सही। अच्छा, तो थोड़ा सा टेक्निकली आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में जो एक बंदा है बिल्कुल अभी उसने काम ये शुरू नहीं किया है और वो इंटरेस्ट रखता है, मेहनत करने की विलिंग करता है, कोशिश करता है, टेक्निकल होने की कोशिश करता है और वो स्टार्ट करना चाह रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप मतलब
पहला स्टेप उसके लिए क्या है, एक समराइज है मैं कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले उसने क्या प्रोडक्ट हंट करनी है या पहले वेबसाइट बनानी है या उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं उसके इस काम को शुरू करने के, राइट नाउ आज के दौर के हिसाब से, आज के चैलेंजेस के हिसाब से, तो क्या स्टेप्स रिकमेंड करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप वो कौन से स्टेप ले सकता है? देखिए आजकल के जैसे अभी जो अभी राइट नाउ मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से डॉलर बहुत ज़्यादा जिस तरीके से चल रहा है और बहुत सारी चीज़ों में इंपोर्ट पे भी बहुत फ़र्क है और डिलीवरी भी चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं जैसे कि, तो स्टार्ट में जो है ना सबसे पहले जो भी जिसको भी स्टार्ट करना है तो वो पहले सबसे पहले स्टेप वन ये है कि वो ये सोचे कि बेचना क्या है, उसको अपनी नीच डिफाइन करनी है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, तो बेचना क्या चाहता है, मतलब होम इम्प्रूवमेंट में जाना चाहता है, गैजेट्स पे जाना चाहता है, ड्रेसेस में जाना चाहता है, फैशन एक्सेसरीज में जाना चाहता है या कॉस्मेटिक में जाना चाहता है। वंस वो डिसाइड कर ले कि पहले फर्स्ट सबसे स्टार्ट है कि नीच डिसाइड कर ले, नीच डिफाइन हो गई, इसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जिसके ऊपर सारा आपका दारोमदार रहता है आपकी सेल की, वो है प्रोडक्ट हंट। ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि बेचना क्या है, अब ये तो डिसाइड हो गया, अब उसको कैसे बेचना है, उसकी क्या मार्केट में मार्जिन क्या है, तो वो कर ली पहले कि मुझे अब जो है फैशन से हटके, मतलब ये क्लोथिंग से हटके आई वांट टू गो आइडिया कोई, हाँ यार ये चीज ऐसी है जो इजिली अभी हर कोई सेल नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे क्लोथिंग में और ऑनलाइन में हर चीज अभी, तो मैंने जो है इसलिए इसको होम गैजेट्स के ऊपर और होम इम्प्रूवमेंट आइटम्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखा। फिर प्रोडक्ट हंट आपका सेकेंड है, आप उस पर प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है, प्रोडक्ट हंट के, वो प्रोडक्ट हंट के जो है सेकंड जो हमारा जो है प्रोडक्ट हंट के लिए हम अपना दराज का जो है वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिससे आप देख सकते हैं कि कितने लोग आपके दराज में इनबाउंड है। सेकंड फिर आप ओलेक्स की एक वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट आपके कितने लोग बेच रहे हैं, कौन कौन सप्लायर है, उससे भी पता चल जाता है। फिर एक आपके पास एक ऐसा टूल है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का, आप वो जब गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो उस पर उस प्रोडक्ट का कीवर्ड उस पर डालेंगे तो इससे ये पता चल जाता है कि कितने लोग उसके ऊपर बजट लगाया हुआ है एड्स का, ठीक है, तो उससे आप जो है पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट में है। फिर जब वो सबको आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, ऑर्डर नाउ पर क्लिक करके चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है वो आपको मिल कितने का रहा है और लोग कितने का बेच रहे हैं, तो बीच में प्रॉफिट कितना है ना। अगर आप देखेंगे कि ठीक है यार एक ऐसा प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि अगर 1,000 रुपये की उसकी कॉस्ट है और अगर वो मार्केट में हर कोई इसको 2,000 रुपये में बेच रहा है, तो फिर तो ठीक है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरी एक वर्किंग है या जो मैंने सीखा है उसमें एटलीस्ट आपको प्रॉफिट में 3x या 4x तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या चूज किया, उसकी कॉस्ट क्या है, अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 1,000 है तो मेरे हिसाब से वो तकरीबन 2,500 या तक बिकना चाहिए, तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं और मार्केटिंग बजट भी जो है आपका डॉलर की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा फेसबुक अब आपसे चार्ज कर रहा है, तो इतना आपके पास फिजिबल होना चाहिए कि आपको कुछ बचे मानिए। तो प्रोडक्ट हंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है कोई भी आपको अच्छा, प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट पे करने मैं में। आपकी छोटी सी थोड़ी सी बात काटूंगा, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब वो ये है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो ये जी ओपिनियन अब लेके आ रहे हैं यार आपके रेट्स जो है उसमें प्रोडक्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आपने कैसे निकाला जो वो लोग नहीं निकाल पाए और आपने निकाल दिया, और ऐसी क्या चीज़ है? इस पर मेरी अपनी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन अभी आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए कि आपने कैसे प्रोडक्ट हंट कर लिया ऐसी मार्केट में जहाँ पे रेट बड़ा टफ और कॉम्पिटिटिव चल रहा है, इम्पोर्टर्स डायरेक्ट जो है वो रिटेल की तरफ आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स मिक्सअप मिक्सअप की सिचुएशन है, तो उसमें आप कैसे हंटिंग कर लेते हैं या विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं? क्योंकि मैं आपको 2-3 महीने से देख रहा हूँ आप लगातार विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं और बार बार निकाल रहे हैं और बार बार उस पर काम कर रहे हैं।
अच्छा देखिए, मैं आपकी अगर एचईसी के अगर से बात करूं, देखिए मैंने मैंने स्टार्ट ही एचईसी से किया है, ठीक है। ड्रॉपशिप में अगर भी पूरे पाकिस्तान में एचईसी ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद एक दो तीन और भी हैं जो लेकिन इतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर रहे। उनके साथ उनसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। चीज़ें ना प्रोडक्ट हंट में, जैसे कि आपके प्राइस में अगर मार्केट के प्राइस में अगर कोई फर्क है तो वो इसलिए भी है, होना चाहिए क्योंकि आप जो सर्विस दे रहे हैं वो उसमें जो है, और हम खुद अगर चीज नोट किया, और मुझे ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगा कि सबसे पहले के जो आप लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि देखें आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, उसमें से डिटेल निकाल ली, अपनी वेबसाइट पर लगाया और ऑर्डर आया, मैंने आपके पोर्टल पर जाके उसको बुक किया, तो मेरा जो है सबसे पहला जो चीजें इन्वेंट्री में मेरी कोई कॉस्ट नहीं लगी, मुझे इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करना पड़ा। दूसरी चीज, मुझे पैकिंग और डिलीवरी का हसल नहीं लेना पड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता है जो नए आना चाह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी चीज जो आप खुद मार्केट में, अगर भाई मैं बोलता हूँ, मानता हूँ ठीक है भाई, एसईसी के और बाहर मार्केट में बहुत सारा हो सकता है, मार्केट प्रोडक्ट की रेंज प्राइस में फर्क भी हो, लेकिन भाई आप जब प्रोडक्ट, आपको अपना कैपिटल लगाना पड़ेगा, इन्वेंट्री लेके रखनी पड़ेगी, ठीक है। इन्वेंट्री आप लेके रखोगे तो आपका पैसा फंसेगा, फिर आप उसको किसी कोरियर कंपनी में कैश ऑन डिलीवरी का काम पैसे देंगे, फिर वो जब प्रोडक्ट रिटर्न होगा तो फिर आप उसको दोबारा भी बेचना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, और मैं आगे भी आने वाले लोगों को यही बोलूंगा कि भाई ऐसा अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए किसी जैसा, कि भाई आप अगर वहाँ इन्वेंट्री पे पैसे फंसाने की बजाय आप अपनी मार्केटिंग के बजट पर पैसा लगाएं, आप इंस्टाग्राम पर रील्स लगाएं, आप फेसबुक के पर एडवर्टाइजिंग करें, और प्रोडक्ट की नीच में और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें, ना कि आप इन्वेंट्री खुद लेके। मैंने तो भाई एसईसी से शुरू में बहुत छोटे प्रोडक्ट से भी लेके मैं बड़े प्रोडक्ट तक भी गया हूँ, और मुझे कोई भी हर्डल नहीं हुआ। मेन जो फोकस करना है वो आपकी सबसे पहला है हंट करना है, और फिर सेकंड सबसे बड़ी चीज है फेसबुक की एडवर्टाइजिंग। एड्स आपके क्रिएटिव होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, फेसबुक के ऊपर हेडलाइंस और प्राइमरी टेक्स्ट बहुत अट्रैक्टफुल होने चाहिए। बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनकी मदद से मैंने इनको यूज किया है। सेकेंड, पिनरेस्ट एक सबसे बड़ा अच्छा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उससे काफी हेल्प मिल जाती है प्रोडक्ट की डिटेल देने में, उसकी डिस्क्रिप्शन लेने में। तो जो भी नए यूजर आते हैं उनको पहले ये है कि स्टेप बाय स्टेप लें, एचसीसी से अगर काम कर रहे हैं तो आप बड़े छोटे प्रोडक्ट को रेंज बनाएं, उसको इससे स्टार्ट करें, मार्केटिंग का बजट बड़े मिनिमम से स्टार्ट करें। लेकिन अगर मिनिमम भी अगर ये कोई कहे यार मैं 10,000 रुपये से स्टार्ट करूंगा, तो मैं बोलूंगा फिर आए नहीं, 10,000 की आज कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं आज के दिन में जब मैंने एचईसी से स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त 2,000 पीस पर डे इस्तेमाल कर रहा था अपना मार्केटिंग का बजट पर डे। अब उसमें मेरा प्रोडक्ट बिके ना बिके, तो मेरा मुझे उसमें लॉस भी हुआ है। शुरू के 4 महीने तक मैं लॉस में था, जून के एंड से लेके अक्टूबर तक मैं लॉस में था। नवम्बर के महीने में मेरा एक प्रोडक्ट एचईसी से क्लिक कर गया, जिसने मुझे पूरे 4 महीने के, मैं हकीकत टेक्निकल बता रहा हूँ, पूरे 4 महीने के मेरा लॉस रिकवर कर दिया, और उस महीने में मुझे उसने 100K तक का फिगर दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कॉन्फिडेंट जो है बिल्टअप हो गया एचसीसी के साथ भी, और फिर इसके बाद मुझे आगे मैं इस पर थोड़ी सी वाइड लेबलिंग पे भी चला गया ना, तो मुझे तो बहुत कंफर्टेबल रिजल्ट मिला एचसीसी से के। और दूसरी चीज़ है ये है कि इंसान जब स्टार्ट लेता है तो थोड़ा सब्र रखना है। हमारे यहाँ मसला ये है पाकिस्तान में, हर कोई ये चाह रहा होता है कि अलादीन का चराग मिल जाए, आज हम एचईसी के साथ ज्वाइन करो और कल जो है हमको लाखों रुपए का प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बता रहा हूँ कि मैंने 4 मंथ्स हर महीने तकरीबन 10,000 रुपये का मार्केटिंग का लॉस कर रहा था, 5,000 रुपये मैं शॉपिफाई की स्टोर के पैसे अपनी जेब से दे रहा था, और बाकी एक जगह मतलब तकरीबन 15-20 हज़ार मुझे जो है लॉस हो रहा था हर महीने। फिर मैंने जो है हिम्मत नहीं हारी और मैंने कॉन्सिस्टेंसी रखी,
इस पर फोकस से काम करता रहा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक HEC का एक ऐसा प्रोडक्ट था मेरे पास जो मैंने इसको चलाया और वो मेरा ऐसा क्लिक कर गया कि जिसने मेरी मतलब समझे पूरा पूरा मतलब कॉन्फिडेंट बिल्ड कर दिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरी नहीं हर किसी को टाइम लगे, हो सकता है कुछ लोगों को 6 महीने लग जाए वो विनिंग प्रोडक्ट तक पहुंचने में, कुछ लोग हो सकता है उनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी विनिंग हो जाए, लेकिन मेहनत के बगैर पॉसिबल नहीं है और माइंड आपको लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना, बिल्कुल सही बात है। अब ठीक है, अब जो वापस हम लोग जो है वो एक माइंड मैप खींचना चाह रहे थे जो आम यूजर्स के लिए, वो यह होगा पहले उसने निश सेलेक्ट कर ली, फिर प्रोडक्ट हंट कर लिया, नेक्स्ट फेज क्या है? प्रोडक्ट हंट के बाद देखिए नीच हो गई, प्रोडक्ट हंट हो गया, तीसरा है फिर वेबसाइट है। अच्छा अब लोग जो है यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है कि हम यार वेबसाइट बनाएं या अपने फेसबुक के पेज पे बनाएं। अच्छा अब मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं आज 2013 में मेरी कोई वेबसाइट नहीं थी, मैं 2013 में फेसबुक से ही बेचता था। हाँ कमाई होती है, फेसबुक पर भी कमाया मैंने उस दौर में भी कमाया और आज इस दौर में भी फेसबुक पर है। लेकिन अब जो लोग जो है ना वो मांगते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी चीज, डिटेल्स मांगते हैं, खूबसूरती मांगते हैं, ठीक है, तो वो आपको अपनी वेबसाइट पर ही आ सकती है। आप उस पे वेबसाइट पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मजीद डिटेल से हर चीज दिखा सकते हैं, आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं, वीडियोस पे एक उसकी छोटे छोटे क्लिप्स गिफी उससे बना के उसकी GIF बना के आप अपनी उस पर लगा सकते हैं। तो वेबसाइट बनाए, अगर कोई यूजर ये बोलता है, आने वाले कोई भी है जो बोलता है यार मेरे पास अभी वेबसाइट के इतने पैसे नहीं है, तो मैं उनको ये सजेशन दूंगा कि भाई किसी से ना बनवाए, मैंने खुद बनवाए। देखिए किसी से बनाने जाएंगे तो कोई भी जो है ना आपको सही चीज नहीं देगा, पैसे हर कोई ले लेगा लेकिन आपको चीज नहीं देंगे। मैंने इस दफा अपनी वेबसाइट खुद डिजाइन की है और कोई मुश्किल काम नहीं है, शॉपिफाई पूरा बना हुआ है, वन क्लिक पर सारी चीजें हो गई। आप शॉपिफाई से कर लें या वर्डप्रेस से कर लें, कोई किसी से ट्यूटोरियल ले लें, यूट्यूब से सीख लें, मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब से ट्यूटोरियल से सीखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वेबसाइट खुद बनाई है और फेसबुक का पेज भी बनाया हुआ है और उससे मैंने इसको सेल किया है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार नहीं अभी शुरू में मेरे पास इतना बजट नहीं है तो फिर उसको फेसबुक से स्टार्ट करें, लेकिन फेसबुक का मसला ही आ जाता है जब आप मार्केटिंग उसमें करने जाते हैं तो वो उसकी वो हर ऑडियंस को टारगेट करता है, लेकिन जब आप वेबसाइट से करते हैं तो वो उस ऑडियंस को एंगेज, खाली उस ऑडियंस को टारगेट करता है जो बाकी ही आपके प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड होता है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज सबसे बड़ी है, जो नया यूजर आ रहा है वो एटलीस्ट अपने पास कुछ नहीं, कुछ नहीं तो 1 महीने के हिसाब से 50 से 70 थाउजेंड, या बहुत ज्यादातर भी अगर नहीं बहुत कर सक ज्यादा और नहीं है बजट, तो एटलीस्ट 70 हजार तक तो अपने हाथ में रखे, क्योंकि 70 हजार होंगे तो वो मार्केटिंग का एक्सपेंस बेयर कर सकेगा, क्योंकि SEC करे या कहीं और से भी काम करे या अपनी वाइट लेबलिंग करे, पैसे फौरन आपके पास नहीं आते हैं। आप प्रोडक्ट बेचते हैं, एक उनकी साइकिल चलती है 10 या 15 दिन या जो भी है, उसके बाद आपको पैसे दोबारा आते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 70 से 50 हजार तक के बीच की अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा, आप थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इसको, हमारे पास तकरीबन 7 से 8 मिनट रह गए इस सेशन को कवर अप करने के लिए। अब इसमें सही है, प्रोडक्ट हंट हो गया, लीड सिलेक्शन हो गई, वेबसाइट बन गई, वू कॉमर्स या शॉपिफाई दो ऑप्शन है। शॉपिफाई में भी एक ट्रायल का ऑप्शन भी लोगों को मिल जाता है, 3 महीने का $1 ट्रायल, गूगल पर सर्च करें उसकी टेक्निक मिल जाती है, उस तरह से भी वो अचीव कर सकते हैं। वू कॉमर्स भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो थोड़े से समझते हैं कि हम शार्प हैं, चीज़ें जल्दी पिक कर लेंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा हमको लॉन्ग टर्म बेसिस। और दूसरा, जब वो थोड़ा सा अप एंड डाउन फील करेंगे तो उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। वो कॉमर्स जो है वो एक्सपायर नहीं होगी, आपको मंथली बिल अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपको साल की पेमेंट होती है, उसकी कॉस्ट नहीं है इसका, तो दोनों अच्छे ऑप्शन है। इसके बाद जो है वो फेसबुक एडवर्टाइजिंग होगी। फेसबुक एडवर्टाइजिंग में आपने पहले बताया है जी जी वही एड्स हो गए, उसकी एड कॉपीज हो गई, फिर पिक्सल्स का सेटअप, कन्वर्जन का, उस पर जो चीज़ आनी है वो पेज पे पॉसिबल नहीं है ना, वो इतनी स्केलिंग अप हो सकती है ना इतनी ऑटोमेशन हो सकती है जो वेबसाइट के थ्रू हो सकती है। अब ये हो गया, और ठीक है आपने वेबसाइट बना ली, सब कुछ हो गया, कैंपेन चल गई, ऑर्डर कैंपेन चल गई, सक्सेसफुल हो गई, 2 3 4 ट्रायल्स के बाद तो प्रोडक्ट क्लिक कर गया, अब आपका ROI पॉजिटिव आ रहा है। तो उसके बाद जो लोकल इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं, लोकल ऑडियंसेस के चैलेंज हैं, उसके बारे में आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपने क्या फेस किया, क्या लर्न किया और कैसे इम्प्रूव किया उसको? हाँ ये आपने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल किया। सारा आखिरी वाला जो ये आपका सवाल है ना,
पूरा गेम ही शुरू से लेके जो टिल वेबसाइट तक वो सक्सेस ही आखिरी वाले सवाल के ऊपर है। आखिरी वाला सवाल जो आपने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग सुन रहे हैं और जो ये इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं, मैं उनको ये बता देता हूँ कि ये बहुत टफ है। आखिरी वाला जो ये सवाल है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान में मैंने, जावेद भाई आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जब एचईसी से काम स्टार्ट किया था तो मेरा रिटर्न रेट बहुत ज्यादा था। तो अब मैं परेशान हो गया यार, रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूं। तो फिर आपके यहाँ से भी कि मैं ओसामा भाई से भी बात करता रहा, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तौसीफ भाई इसको कम करने के लिए चांस यही है कि आप अपने कस्टमर को कॉल करें। मैं बोला यार नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर तो कॉल करना, तो बोलते करना पड़ेगा कि आपको अपने रिटर्न रेट करने। फिर मैंने एक्सेल की शीट बनाई, पहले जो ऑर्डर जितने भी मेरे पे मेरी वेबसाइट से आते हैं उनको मैं एक्सेल पे नोट करता हूँ और सबको एक एक करके कॉल करता हूँ। अब वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास 10 हो 20 हो 25 हो या 5 हो, सबको कॉल करता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे जावेद भाई, सबको कॉल करता हूँ। आप 80% 90% लोग पता है क्या कहते हैं, कस्टमर यार आपने एड तो बहुत अच्छी बनाई है, ये चीज तो एड में तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन ये जब आती है तो ये निकलती वो चीज नहीं है। फिर जो है आप दिखाते कुछ है बेचते कुछ और है, यार हमारे साथ तो बहुत फ्रॉड हुआ है। अपनी कहानियां कस्टमर अपने दिल हल्का करते हैं कि वो हमने ये मंगवाया था वो मंगवाया था। ये 80% यहाँ की मार्केट का हाल है, क्योंकि ऐसे भी प्लेयर्स बैठे हैं जो चंद पैसे कमाने के चक्कर में हम जैसे अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए भी नुकसानदेह। तो अब उनको मैं कन्विंस करता हूँ कि सर नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको रिटर्न बैक कर दूंगा, आप ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिख लें। तो बोलते नहीं है सर, या तो आप आपका ऑर्डर आ जाएगा, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। चले फिर भी मैंने कस्टमर को कन्विंस कर लिया, जावेद भाई किसी तरीके से भी कन्विंस कर लिया। आप यकीन करेंगे कि कंफर्मेशन करने के बाद भी मेरे अगर 10 ऑर्डर अगर दिन के हैं 10 या 15, तो उसमें से एक दो रिटर्न फिर भी आ जाते हैं कस्टमर की कंफर्मेशन के बाद भी। अब फिर मेरे को मुझे एसईसी की तरफ से ईमेल आती है कि या कोरियर कंपनी से आती है कि भाई आपका ये कंसाइनी ने जो है रिफ्यूज कर दिया है ऑर्डर लेने से, तो मैं उनको कॉल करता हूँ। अब उनको कॉल करूं तो एक नया चैप्टर खुलता है, पता चलता है कि भाई राइडर साहब आए जल्दी जल्दी में, बोला कि बस अभी के अभी पैसे दें, या राइडर ने कोई मिसबिहेविंग कर दी, या राइडर ने सही जवाब नहीं दिया, या राइडर को कुछ बोला कुछ हो गया, या राइडर को एड्रेस नहीं मिला वो, और उसने अपनी तरफ से जो है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट की स्टैम्प लगाई और कंपनी को वापस कर दिया। तो उसमें मैंने जो आइडेंटिफाई किया है ना कि ज्यादातर जो कस्टमर कंफर्मेशन के बाद अगर कोई कैंसिलेशन है तो वो ड्यू टू कोरियर कंपनी के राइडर की वजह से। अब जो कोरियर कंपनी के उनसे बात करें तो वो उनकी भी एक अलग परेशानी है कि राइडर्स के पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, वो फिर हर एक ऑर्डर पर रुक नहीं सकते हैं। कोई बोलता है कि भाई उनके पास व्हाट्सएप की फैसिलिटीज नहीं है। अच्छा कोई कस्टमर बोलता है हम कॉल नहीं उठाते, हमको व्हाट्सएप करें। तो शॉर्ट मैं ये बोलूँ कि भाई चैलेंजेस बहुत है, टफ बहुत है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने रिटर्न भी बर्दाश्त किए, कोई बात नहीं, मेरा ठीक है लॉस तो लॉस कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। जो हिम्मत नहीं हारेगा और जो इस पर कंसिस्टेंसी से काम करेगा और इस सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा तो इनशाला इनशाला जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। सही। अच्छा इन शॉर्ट विद इन 1 मिनट या 30 सेकंड आपने ये बताना है कि भाई आपने जब ये लोकल ऑडियंस के ये चैलेंज समझा, कॉल्स की और किया, तो फिगर्स में बताना है कि कितने फिगर्स रिटर्न आपका कहाँ से कहाँ आया, फाइनेंशियली उसका फिगर्स में कितना इम्पैक्ट पड़ा। देखें पहले शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली बताया मैं बहुत नया था, और इससे पहले भी जब मैंने ई कॉमर्स में करता था तो उस दौर में जो है एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर आ जाते थे। जब एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू आते तो वो कन्फर्मेशन पक्की होती है। अब जब वेबसाइट के थ्रू जब ऑर्डर आते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो वेबसाइट के ऑर्डर जो है मेरे एक पोर्टल में आके गिरते हैं ना। तो उसमें जो है मैं क्या करता था कि पहले शुरू में जब एचईसी से स्टार्ट किया तो सारे ऑर्डर आए, एचईसी से मैं जाके बुक किए और खत्म, मतलब मैंने अपने पास एक्सेल में अपडेट कर दिए। तो उससे मेरा रिटर्न रेशियो तकरीबन अगर दिन के 10-15 में एक्सेल एचसीसी में बुक करता था तो मेरे 6 7 8 रिटर्न हो जाते थे। फिर जब मैंने कॉल करना शुरू की तो मेरे अब रिटर्न जो है वो 2 या 3 पर आ गए हैं, और कभी नहीं भी होता है और कभी 2 3 पर आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दिन के 15 ऑर्डर भी निकले उनमें से एक भी रिटर्न नहीं आया, मतलब सही कंफर्मेशन कॉल करने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ है। सही ठीक। तो मेरे ख्याल से तकरीबन कोर चीज़ें हमने सारी एक जर्नी कवर कर ली है इस सेशन में, कि भाई जी स्टार्ट में आपको हंटिंग करनी है, नीश सेलेक्ट करनी है, फिर
वेब पेज रेडी करना है, फिर जो अकाउंट मैनेजर्स के रोल हैं वो उस पर हमने डिस्कस नहीं किया, खैर वो फिर किसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे। फिर उस पे आपने जो है वो प्रॉपर काम करना है, फिर एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, फिर उसको सक्सेसफुल करना है। उसके बाद जो कोर फैक्टर जो मेजोरिटी मिस करती है वो लोकल ऑडियंस है, इन टच में रहना, कंफर्मेशन करना, उनके बाद री अटेम्प्ट करवाना, उस पर नजर रखना, ये कोर पार्ट जो मेजोरिटी मिस करती है, जिसको जैसे प्रॉफिट से लॉस में चली जाती है। इसको कवर करना है तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल बहुत है, स्कोप बहुत है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तौसीफ भाई, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की लोगों के साथ, बहुत क्रिटिकल चीजें आपने शेयर की, टाइम निकाला। उम्मीद करते हैं इसी तरह हम और भी सेशन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, साथ साथ करते रहे, और इंशाल्लाह सर, भी लेखों को लेके आएंगे। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, और अपनी तरफ से आप लास्ट कुछ एक लाइन दो लाइन कहना चाहें तो कह सकते हैं, फिर सेशन क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। देखिए लास्ट लाइन ये है कि अभी आने वाले, जैसे अभी एक बीच में मैंने एक मेंटर से क्लास अटेंड कर रहा था, तो आने वाले 2023 में जो है मार्केट बहुत ड्रॉप शिप की जो है ओपन होने वाली है। बहुत सारे प्लेयर्स बेचने वाले भी आएंगे और बहुत सारे एसईसी की तरह भी बहुत सारी कंपनियां आएंगी, तो कंपटीशन हेल्दी होने वाला है, इनशाला होगा भी। मैं उनमें सबको देखने, जो भी देख रहे हैं और हैं, उनको ये की बात करूंगा कि देखिए भाई, ये बिजनेस में स्टार्ट है, पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन इसमें जो है ना सबसे बड़ी जीत यही है कि अगर आप जो है कंसिस्टेंसी दिखा के इसके साथ रॉयल रह के और काम करेंगे, तो इनशाला जो है इसमें सक्सेस मिलेगी। और अपने ऑडियंस जो देख रही है उनको यही एडवाइस करूंगा कि भाई, अगर कोई ये सोचता है कि मैं फौरन मुझे रिजल्ट आएगा, तो फौरन रिजल्ट नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और एचसीसी के प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप ज्वाइन होते हैं, तो एचसीसी के प्लेटफॉर्म में राइट नाउ इतने प्रोडक्ट हैं कि मैं खुद कितनी दफा कंफ्यूज हो जाता हूँ, या किस प्रोडक्ट पर काम करूँ, किसको पर काम ना करूँ। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, मैं जो जो ऑडियंस है, मैं उनको बोलता हूँ कि एचसीसी का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप उसमें से खाली एक नीच भी अगर किसी ने उठा ली और उसमें सीधी सीधी सही तरीके से उसकी प्रोडक्ट हंटिंग, उसकी डिस्क्रिप्शन का काम करेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि महीने के वो 50,000 लाख रुपया आराम से बचा सकते हैं, आराम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा आपको इनवाइट करेंगे, पर बात करेंगे, तो ये सेशन यही क्लोज करते हैं, ठीक है, बाकी थैंक यू सो फिर मच। से मुलाकात होती रहेगी। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका, ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। तो अभी इस वीडियो के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट वीडियो में चलें इंशाल्लाह ठीक, फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू।